तो अभी बात करते कि हम करें क्या। आप लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे पीएचपी में काम करते हो, मैं खुद भी पीएचपी में काम करता हूँ, तो अपना जो इनकम है वो कैसे बढ़ाए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाई पीएचपी डेवलपर्स आर पेड लेस देन अदर टेक्नोलॉजीज लाइक जावा, नोड और पाइथन, एनीथिंग। साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो जो भी मैं बातें यहाँ पे करूँगा सब भी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूँ, काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है कि पीएचपी में इनकम या फिर सैलरी इतना लो इसलिए होता है कि पीएचपी बहुत ईजी लैंग्वेज है और पीएचपी आउटडेटेड हो चुका है। ये कारण ये एकदम मिथ है, पीएचपी बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है। अगर पीएचपी आउटडेटेड होता तो आज भी 30% वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं होता, वर्डप्रेस जो कि पीएचपी में बना है। और मैं थोड़ा स्केलेबल एप्लीकेशन की बात करूं तो आज लारावेल का यूज़ बहुत हो रहा है मार्केट में। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि क्यों पीएचपी डेवलपर्स का सैलरी या फिर इनकम लो होता है। तो उसका मेन दो रीज़न है। देखिए पहला तो रीज़न ये है कि सप्लाई एंड डिमांड। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग नोड जेएस का ओपनिंग रखते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग पीएचपी का ओपनिंग रखते हैं। तो अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएचपी में अगर 100 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं वही नोड जेएस के लिए सिर्फ 10-12 लोग इंटरव्यू देने जाएंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पीएचपी के ओपनिंग रखे उनके पास तो ऑप्शन बहुत सारा है, 100 लोग इंटरव्यू देने आएंगे तो वो लोग इजीली सैलरी को कम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नोड जेएस के ओपनिंग रखे जिस कंपनी ने, उस कंपनी में ऑप्शंस कम है उनके पास, क्योंकि ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने आएंगे नहीं तो वहाँ पर नेगोशिएशन नहीं हो सकता। तो सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि पीएचपी के ऊपर किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। पीएचपी के ऊपर मेनली सर्विस बेस्ड और स्टार्टअप्स काम करते हैं। अभी देखिए आप बोलोगे पीएचपी के ऊपर एमएनसी काम नहीं करता, हाँ करता है लेकिन बहुत कम, उनका रेशियो बहुत कम है। 90% स्टार्टअप्स जो होते हैं वो पीएचपी की तरफ भागते हैं। ठीक है, और एमएनसी की मैं बात करूँ 1-2% इंडिया में ऐसा एमएनसी मिलेगा आपको जो पीएचपी के ऊपर काम करते होंगे। ठीक है, तो स्टार्टअप्स पीएचपी के ऊपर काम करते हैं इसलिए स्टार्टअप्स क्या चाहेंगे जी, उनका जो एम्प्लॉय हो उनको कम सैलरी, जितना कम हो सके उतना कम सैलरी दे। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक बात आता है कि सर स्टार्टअप से क्यों पीएचपी के ऊपर काम कर, स्टार्टअप नोड जेएस के ऊपर पाइथन के ऊपर काम नहीं क्यों करता, हाँ करता है लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। स्टार्टअप मेनली पीएचपी को इसलिए चूज करते हैं कि स्टार्टअप्स के पास जो क्लाइंट है वो बड़े क्लाइंट नहीं है। स्टार्टअप्स के पास कोई छोटा मोटा वेबसाइट या फिर छोटा मोटा सीएमएस साइट हो गया, कोई एक छोटा सा ई कॉमर्स साइट बना लेगा। ठीक है, तो उनके पास इस तरह का क्लाइंट्स होते हैं और उनका बजट भी लो होता है। तो स्टार्टअप्स जो क्लाइंट के साथ डील करते हैं वो लो बजट डील होता है। तो इसीलिए पीएचपी वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पीएचपी के ऊपर अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी ओपन करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप मतलब मिनिमम रुपीज़ में आपका होस्टिंग मिल जाएगा, शेयर होस्टिंग मिल जाएगा, आप एक सर्वर सेटअप करके अपना काम शुरू कर सकते हो। लेकिन वही बात आ जाती है कि नोड जेएस के लिए सर्वर कॉस्टली हो जाता है, आपको AWS या फिर डेडिकेटेड सर्वर वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही वो कारण है कि पीएचपी की जो सैलरी होता है वो कम होता है देन अदर टेक्नोलॉजी, राइट। तो अभी बात करते हैं कि हम करें क्या। आप लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे पीएचपी में काम करते हो, मैं खुद भी पीएचपी में काम करता हूँ, तो अपना जो इनकम है वो कैसे बढ़ाए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर पीएचपी में सिर्फ कोड पीएचपी में काम करते हो तो अपना स्केल बढ़ाओ, आप वर्डप्रेस को सीखो, वर्डप्रेस कोडिंग सीखो। ठीक है, प्लगइन डेवलपमेंट, थीम डेवलपमेंट, ये सब सीखो। ठीक है, तो वर्डप्रेस पे ऊपर काम करो। नेक्स्ट 2-3 फ्रेमवर्क आप पीएचपी के सीख लो, जैसे कोडिग्नेटर, केक पीएचपी, लारावेल, 2-3 नहीं तो सिर्फ एक सीखो लारावेल। मैं आपको गारंटी देता हूँ लारावेल में आपका अच्छा पैकेज लग जाएगा। लारावेल अगर आप सीखते हो और कुछ अच्छा चीज़ बनाते हो, कुछ ई कॉमर्स टाइप का चीज़ बनाते हो, कुछ स्केलेबल CRM एप्लीकेशन आप बनाते हो लारावेल में, तो जो आपका इनकम जो है तो अच्छी जगह जा सकता है। तो वर्डप्रेस सीखिए और पीएचपी के फ्रेमवर्क्स कुछ नहीं है तो लारावेल सीखिए। ठीक है, तो अगर आप वर्डप्रेस और लारावेल जैसी चीज़ें सीखते हो तो आपका जो सैलरी है वो हाई होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट जो सोल्यूशन है टेक्नोलॉजी मूव, तो आप टेक्नोलॉजी को मूव कर लीजिए, पीएचपी से कोई दूसरा टेक्नोलॉजी आप चूज़ कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी जो चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आप पाइथन चूज़ करते हो, जावा चूज़ करते हो, नोड चूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपको उसमें इंटरेस्ट हो।
ठीक है। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मेरे हिसाब से पीएचपी से अगर कोई दूसरा टेक्नोलॉजी में आप अगर मूव करना चाहते हो, स्टैक डेवलपर आप बन सकते हो और आपके लिए बेस्ट भी रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि देखिए मॉन स्टैक डेवलपर यानी कि MERN, एम फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस जेएस, आर फॉर रिएक्ट जेएस, एन फॉर नोड जेएस। तो ये जो मॉन स्टैक डेवलपमेंट होता है या फिर मीन स्टैक भी होता है, वहां पे सिर्फ रिएक्ट जेएस के बदले में एंगुलर जेएस होता है, ठीक है। तो मीन स्टैक या फिर मॉन स्टैक आप कुछ भी बन सकते हो। तो आप ऑफिस के काम के साथ साथ छोटा मोटा कोर्स भी आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा चैनल है जहाँ पे विथ प्रोजेक्ट मॉन स्टैक के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट रेडी है। जस्ट आपको सर्च करना है और आपको अपना टाइम देना है। तो अगर आप वहाँ पे टाइम देते हो तो मॉन स्टैक के ऊपर अगर एक दो प्रोजेक्ट आप बना लेते हो, टाइम लीजिए 7 या 8 महीने आप टाइम लीजिए, 2-3 घंटा पर डे दीजिए उसके ऊपर और 2-3 प्रोजेक्ट बनाइए, तो उसके बाद इजीली आप अपना जॉब मूव कर सकते हो, जॉब शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरे तरफ से पूरा सोल्यूशन। तो अगर आप एक पीएचपी डेवलपर हो और अपना एक्सपीरियंस, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आप बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताना, ये जो मैंने सोल्यूशन बताया ये आपको कैसा लगा, ठीक है। और ये सर, आप अपने हिसाब से भी कुछ सोल्यूशन वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपका भी कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पे नए आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।